हे गाइस, वेलकम बैक टू बकास फ्रेंचाइज। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एनिमी मूवीज़ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की हैं और मोस्ट ऑफ द मूवीज़ हिंदी में होने वाली है। अगर तो आप एनिमी मूवीज़ के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है, इसीलिए अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट सीरीज वायरलियाना एंडेड अप एट द डकेस मेंशन। सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की जो अपने फेवरेट कॉलेज जाने के लिए सपने देख रही होती है जागते हुए, लेकिन इसी बीच कोई आता है और उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसका मर्डर हो जाता है, यानी वो मर जाती है। उसका दूसरा जन्म होता है जिसमें वो एक राजकुमारी होती है जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, वो अच्छे से घर में रह रहे होते हैं। ये लड़की नॉवल पढ़ती है इसीलिए उसे पता होता है कि एंड में उसका फियांसे यानी होने वाला पति उसका मर्डर करेगा। तो ये आगे क्या करती है वो आप इस सीरीज के अंदर देखें। ये कमाल की सीरीज है जिसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आप इस सीरीज को हिंदी में देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज है विनलैंड सागा, जो आई है 2015 में। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की जो काफी नॉर्मल सी लाइफ जी रहा होता है जब तक कि उसके पिता का मर्डर नहीं हो जाता, जिसके बाद उस लड़के को अपने पिता का बदला लेना है। इसके चक्कर में वो किस तरह एक खतरनाक वॉरियर बन जाता है वो आप इस सीरीज के अंदर देखें। ये कमाल की सीरीज है, आप इस सीरीज को हिंदी में देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज है डीमन स्लेयर, जो आई है 2019 में, जिसके बाद इसकी हाइप क्रिएट हो गई थी। यहाँ तक कि इसकी मूवी रिलीज हुई थी सेकंड पार्ट की, वो जापान के अंदर आज तक सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सीरीज कितना धमाकेदार होगी। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक फैमिली की जिनकी लाइफ पूरी तरह से अच्छी और नॉर्मल चल रही होती है जब तक इनका घर पर कुछ डीमन, जिसके बाद सब लोग मर जाते हैं, सिर्फ दो लोग बचते हैं, एक लड़का और लड़की, दोनों बहन भाई होते हैं। और जो बहन है वो डीमन ट्रांसफॉर्म हो रही है। लड़के को किसी भी तरह अपनी बहन को बचाना है क्योंकि ये अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये बन जाता है डीमन स्लेयर यानी डीमन का कत्ल करने वाला। आगे क्या होगा वो आप सीरीज के अंदर देखें। नेक्स्ट सीरीज है डिटेक्टिव कॉनन, जो आई है 1996 में। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई गई है एक लड़के की जो बहुत स्मार्ट होता है और बड़े बड़े केस को सोल्व कर देता है, इसीलिए पुलिस वाले अक्सर इसे बुलाते रहते हैं। लेकिन एक दिन कुछ बहुत खतरनाक लोग जो कि अपनी आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा छुपा के रखते हैं, वो इतना ज्यादा सेक्रेट होते हैं, अगर किसी जगह पर मीटिंग हो रही है तो उसे बम से उड़ा देते हैं ताकि पुलिस वालों को कोई भी प्रूफ ना मिले। जिसके बाद एक बंदा हमारे हीरोज पर हमला कर देता है और उसे जेल दे देता है। वो मरता तो नहीं है लेकिन वो छोटा हो जाता है, मतलब उसकी बॉडी छोटी हो जाती है। आगे क्या कुछ वो करता है वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। आप इस सीरीज को हिंदी में देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज है ड्रैगन बॉल्स, जो आई है 1989, जिसके अभी तक 16 सीजन आ चुके हैं। जी हाँ, इसके 16 सीजन आ चुके हैं। ये सीरीज वर्ल्ड फेमस सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर की जिसका नाम गोकू होता है, या उसे गोकू बुलाते हैं। उसका काम होता है प्लानिट को बचा कर रखना, क्योंकि वहां पर ऐसे लोग आते हैं जो कि धरती को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। इसमें उनकी मदद करते हैं ड्रैगन बॉल्स। अगर आपको इस सीरीज की कहानी सिंपल लग रही है तो आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखना, क्योंकि ये काफी कमाल की सीरीज है और आपको अपने साथ इंगेज करके रखेगी। आप इस सीरीज को हिंदी में देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।